सॉरी फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम, पूरा पूरा डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग पूरी। चलो अभी सारे लोग आ गए। बोर्ड सबको विजिबल है बेटा? बोर्ड का देखते हैं हम लोग कैसा एक्सपीरियंस, बोर्ड का अपना रहता है, लेट्स सी यू नो। तो वी आर गोइंग ऑन द पिन पॉइंट, आप कर लेना मेरा वाला, सो दैट फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन वी कैन बी देयर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो दी कैन रेज योर हैंड आल्सो। और अभी होस्ट में कौन है सर? आप ही हो सर? कौन है अभी मेरे को ही? थैंक यू। स्टार्ट वीडियो तुम्हारे पास, इनेबल वेटिंग रूम, ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा। चलो मैं इसको पिन पॉइंट कर ले रहा हूँ, पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो डन, थैंक यू। अगर किसी का डाउट होगा तो आप यहाँ से हाथ खड़ा करना, सो दैट आई कैन इजिली गेट टू नो। थोड़ा सा इस पे देखते हैं क्योंकि पेन अभी ना थोड़ा स्लो चल रहा था, मैं देख रहा था नेटवर्क से। और अभी देखा आपने एक और प्रॉब्लम आई, डिसकनेक्ट हो गया। बोर्ड सबको अच्छे से विजिबल है, मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप ऑफ सॉलिड के जैसे हम लोग कर रहे थे, टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इज इट? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे सॉलिड हम कितने तरीके का हो सकता है, इसके विषय में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसके पहले भी हम लोगों ने अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की बात की थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन पैकिंग कैसा होगा, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होता है, उसके बेस पे वो डिवीजन ना। तो टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि ये क्या हो सकता है बेटा। एक तो मैंने बोला था ये आयनिक हो सकता है, फिर हम लोगों ने बात किया था मेटालिक, ये दो सेगमेंट हमने कर लिया था। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड वॉज गोइंग ऑन। इसके बाद होता लास्ट में कोवैलेंट, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। लाइट फिर से गई, हो सकता है नेटवर्क ट्रिप हो। तो यहाँ विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है मान्य है? एनीवन, किसी को ऐसा लग रहा हो विजिबिलिटी में? दिख रहा है बेटा? पाहुल दिख रहा है? यस सर। चलो यहाँ इसके इसके विषय में हमने बात कर लिया था, मेटालिक की बात हमने कर ली थी। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने सॉर्ट डिवीजन करके रखा है, हमने सबसे पहले डिस्कस कर दिया था पोलर, आज हमें बेसिकली करना था नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हमें देखना हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, पोलर नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें केवल और केवल उन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जिनका केमिकल बॉन्डिंग में पोलरिटी में डाउट होता है। तो मुझे लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत बड़ा इश्यू है। अगर किसी को इंडिविजुअली डाउट होगा पोलरिटी में तो प्लीज अगेन आस्क मी, ओके? पूछ लेना, मैं उसको फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, डाइपोल मूवमेंट पे बेस्ड होता है। यहाँ साल्ट में मैंने समझाया था कि पोलर का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, पहले बात तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की खासियत होती है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिकली जो एटम है, जैसे एच ओ सी एल के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट है, गॉट इट? उसके बाद क्या रहेगा, अगर ये पोलर है तो ये जो मॉलिक्यूल होना चाहिए इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी रहता है, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। आप एक्सीएल ऐसे ले लो, इसके बगल में दूसरा एक्सीएल, मैंने कल बताया था एक्सीएल ऐसे ले लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। सैनिटाइजेशन इज गोइंग ऑन लाइक यू नो समवन इज स्टार्टिंग इट्स बुलेट, इज इट? तो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी बहुत तेज वाली, उसे डरना मत। तो ये मैंने बोला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है बेटा, ये भी पोलर है, इसका जो नेगेटिव पोल है इधर का पॉजिटिव पोल है। तो मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल क्या करता है ना, अपने आप को उस तरीके से ओरिएंटेशन कर लेता है। जैसे मेरे पास ढेर सारे मैग्नेट है, मैंने उसको किसी कंटेनर में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के आसपास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिमिलर टू दिस, अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो पोल, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल, ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेगा कि एक पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल के पास आ जाए। ये हमारा बेसिक काम है। ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल। व्हाई आई एम टेलिंग इट इज अ डाइपोल, क्योंकि इसमें दो पोल है, वन इज अ पॉजिटिव पोल एंड द अदर इज अ नेगेटिव पोल। तो कल इसके विषय में एक तरीका मैंने खाली बताया कि डाइपोल डाइपोल इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए अलग से याद नहीं करना, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन बताएगा? एनीवन कैन टेल, यू नो लाइक किरण इज देयर, यू नो अनरीत, अनरीत कैन यू टेल BF3 पोलर है कि नॉन पोलर है बेटा? BF3 पोलर है कि नॉन पोलर? छोटा सा क्वेश्चन है। बोरान ट्राइक्लोराइड पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर सर, इट्स नॉन पोलर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस फैंटास्टिक रिस्पांस, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल बॉन्ड हमें देखने में पोलर होगा लाइक दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल का ये शेप डिसाइड करेगा कि ट्राइगोनल प्लेनर का शेप है। यही मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे 120 डिग्री का है, ये नेगेटिव पोल है बेटा, ये भी नेगेटिव पोल, ये भी नेगेटिव पोल, सेंटर में कौन सा पोल आएगा? पॉजिटिव पोल। और डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इधर खींचेगा, ये इधर पुल करेगा, ये टायर ऑफ आर ये इधर पुल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसका ऊपर जा रहा है, तो फाइनली दे आर गोइंग टू बी नलीफाइड। म्यू इसका जो नेट आता है वो क्या होता है? जीरो हो जाएगा। तो देखने में ये बॉन्डिंग का टॉपिक है, बॉन्डिंग के इसलिए मैंने बोला कि इस टॉपिक को एक बार जरूर रिकॉर्ड कर लेना। इसके एग्जाम्पल जब आएंगे, आइडेंटिफाई द आर्ट गिवन एग्जाम्पल में से कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर है, तो हमें उस मॉलिक्यूल की एनालिसिस खूब अच्छे से आनी चाहिए। मिनिमम दो से तीन एग्जाम्पल याद हो, SO2 है, अमोनिया है, अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, SO2 है, HCl है, इज इट नेक्स्ट। मैंने और भी बताया था, क्लोरोफॉर्म ले लो, डाइक्लोरोमेथेन ले लो, ये सारे भी पोलर में ही आएंगे, नॉट इट सारे पोलर के पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोले जा सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर हो नॉन पोलर कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। Why they are electrical insulated? क्योंकि अगर मैं HCl भी क्यों ना ले लूं, इसका इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में इन्वॉल्व है ना, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री फॉर एनी कंडक्शन, इज इट? HCl जब तक ये गैसियस फॉर्म में हो, या ये सॉलिड फॉर्म में हो, या मे भी लिक्विड फॉर्म में हो, मैंने कहाँ नहीं डाला? पानी में नहीं डाला। जब तक इस पोलर मॉलिक्यूल को आपने पानी में ऐड नहीं किया, यू कैन नॉट थिंक दैट कि देयर विल बी आयन, आयन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे शेयरिंग में इन्वॉल्व है, पोलरिटी है, लेकिन ये कंडक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि आयंस का आयंस की फॉर्मेशन नहीं है, ये आयनी कंडक्टर हो सकता है लेकिन इसको पानी में डालना पड़ेगा। किसी को इसमें कोई शक तो पूछ सकता है, इज इट एनीवन? अर्शदीप, पॉल, प्रीत और एनीवन? HCl हमारा कंडक्टर है, इंसुलेटर, आई विल सिंपली से इट इज अ इंसुलेटर। क्या बोलेंगे बेटा? इट इज इंसुलेटर। व्हाई इट इज इंसुलेटर? बिकॉज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए या तो हमारे पास आयंस फ्री होने चाहिए, फ्री आयंस भी नहीं है, तो आयन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पाउल बताओ बेटा, आयन कब बनता है? अगर HCl को मैं ऐसे रख दूं तब बनेगा कि हम पानी में डालेंगे तब बनेगा? कुलदीप, हरलीन बताओ बेटा, तुम कुलदीप बता रहा। पानी में डालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, पानी में नहीं डाला तो ये इंसुलेटर हमेशा रहेगा, पानी में डाल देने के बाद इट इज आयनिक कंडक्टर। ओके, तो मेरे को तो सॉलिड स्टेट पे कमेंट करना है ना, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज आल्सो इंसुलेटर, द सॉफ्ट हैविंग जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आयनिक, बट नॉन पोलर से तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद था बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर के बेसिस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते थे। नॉन का मतलब नो, पोलरिटी नहीं है, तो पोलरिटी नहीं होने पे कहाँ नहीं हो सकता? मान लो हीलियम ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, O2 ले लो, इन सारे सारे के सारे मटेरियल्स को हमें क्या करने हैं? इवन CO2 ले लो बेटा, CO2 को क्या करो? सारे को सॉलिडिफाई कर दो, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 के विषय में कौन बताएगा? कुलदीप, सॉलिड CO2 को क्या नाम बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस बोलते हैं। ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज ऑफ इट शेप, क्योंकि इसका जो शेप है देखो लीनियर शेप है, लीनियर शेप है, तो इसका दोनों का डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली नलीफाइड हो जाएगा, इट इज नॉन पोलर सॉलिड। ड्राई आइस के क्यूब्स ले सकते हो, हीलियम ले लो, या नाइट्रोजन गैस ले लो, ले लो, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर सॉलिड की पहले डेफिनेशन क्या रखोगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे, लिख सकते हो आराम से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसी को भी डाउट हो तो इसमें पूछो, बहुत आसान सा है, जो डिफिनेशन पूछे वही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। सेकेंड, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है तो इनके बीच में फोर्स कहाँ से आता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स आता है कौन बताएगा? क्या रीजन है? ऑक्टेट इनका डुप्लेट पहले से कम्प्लीट है, शेयरिंग इनको करनी नहीं है, आयनिक बॉन्ड इनको बनाना नहीं है, तो बेसिकली है तो बीच, हमें मालूम है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैन एनीवन मेक एनी कमेंट दैट कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सर समटाइम्स जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो एक साइड बढ़ जाती है, उसके कारण जो होता है कि इनमें एक बहुत ही बिग फोर्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है। क्यों बढ़ जाती है सर? सर दूसरे मॉलिक्यूल के आने की वजह से। यस चलो चलो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत प्यारा सा बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी कोरिलेट करता है। बेटा आपको क्या सोचना है कि जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ना, इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, सारे के सारे ऑर्बिट स्फेरिकल नहीं होते, दे आर एलिप्टिकल इन शेप, इज इट? वो हमारे एलिप्टिकल शेप में भी होते हैं, यू कैन नॉट से दैट ऑल द ऑर्बिट्स आर ओनली स्फेरिकल। इन दैट मोमेंट व्हाट विल हैपन, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इसमें है तो कोई इशू नहीं है, समटाइम इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये मेजर एक्सिस माना जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस, थोड़ा सा दूर चला गया, और जो पास वाला इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, लाइक दिस माइनर एक्सिस मान लो। व्हाइल द रिवोल्यूशन, जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है तो कभी कभी वो क्या करता है, अपने एक्स मेन जो सेंटर पॉइंट से दूर चला गया, बात वही है। व्हाइल द रिवोल्यूशन इट इज पॉसिबल दैट it is found that electron moves away on the major axis pe jaake wapas aa raha hai, in that case what will happen, ye particular pole wala thode der ke liye negative pole ho jayega, idhar wala pole kya rahega, positive pole ho jayega। ab individual atom is going to be the polar atom, ye individual atom hai lekin ye isme polarity aa chuki hai, polar atom ho jayega, ye jo polarity hai bahut hi fraction of second ke liye hai, kyunki electron ki jo speed hai na bahut tez hai, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से आपका मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलता, तो आता भी है ये डाइपोल मोमेंट जाता भी है, इसलिए यहाँ जो पोलरिटी आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लिटिंग डाइपोल मोमेंट, फ्लिटिंग डाइपोल मोमेंट या इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इंस्टेंट गुस्सा आ गया है ना, इंस्टेंट का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये बहुत ही कम समय के लिए आया लेकिन आता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वी कैन नॉट से दैट कि सेंट्रल न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सारे के सारे ऑर्बिट स्फेरिकल है, एस सबसेल भी है तो पी सबसेल भी है, गॉट इट? तो यू कैन नॉट से दैट ऑल द ऑर्बिट्स आर स्फेरिकल ओनली, तो अगर ये इलेप्टिकल पाथ में थोड़ा सा दूर जाता है तो एक तरफ हमारा निगेटिव पोल हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पोल हो जाएगा। अब इंडिविजुअल अगर हमारा एक पर्टिकुलर एटम अगर ये पोलर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसकी जो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो एक साइड में यहाँ कहीं आ गई या निगेटिव, तो इसके बाहर बाहर जो नियर बाई मॉलिक्यूल दूसरा होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम कंडीशन को ऑक्यूपाई करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, फाइनली दोनों का दोनों क्या हो गए, पोलरिटी आ चुकी है, लेकिन ये जो पोलरिटी है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहती है, मैंने बोला, और दिस काइंड ऑफ फोर्स वी कैन ऑब्जर्व ओनली एट हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, इज इट? इस टाइप का जो फोर्स मिलता है आपको जनरली दिखता नहीं है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम हीलियम गैस को भी, हीलियम का भी गैस क्यों ना हो, नाइट्रोजन की गैस क्यों ना हो, अगर हम हाई प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन से हाई प्रेशर लगाते बेटा, अगर हम यहाँ वेरी हाई प्रेशर लगाते हैं और वेरी लो टेम्परेचर क्रिएट कर दो, नियरली आप समझ को 10 केल्विन 20 केल्विन लाइक दिस, यू नो 50 केल्विन, तो हीलियम गैस को भी आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो, तो गैसेस को लिक्विफाई किया जा रहा है, इससे प्रूव होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज बीइंग फोर्स दैट वाज डिनोटेड बाय यू नो लंदन के बेस पे बोल सकते हो कि लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल ने भी इस बात को नोटिफाई कराया था,
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं. व्हाट इट, तो इट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल द रिवॉल्यूशन यू नो इन द ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है स्लाइटली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है. सो इंडिविजुअल एटम वी हैव एज अ पोलर एटम. हर्लिन ने पूरी डिफिनेशन दी थी. बस मैंने बताया कि इसकी पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्बिट स्फेरिकल नहीं होते, इलेप्टिकल के भी ऑप्शन रहते हैं ऐसे. सो दैट ये चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा दूर चला जाए, वहां पोलरिटी आ जाए, फिर हमारे पास इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज वेरी वीक, बट दिस फोर्स इज नोन एज लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसकी डिस्कवरी लंदन हुई थी, है ना, फ्रांस में होती, तो फ्रेंच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते साइंटिस्ट का नाम. तो वही मैं सोच रहा था कि है ना, ऐसे दिमाग में आया ना लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक जैसे लंदन देन फ्रांस में होता था फ्रेंच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो कैसे होंगे, ऑल आर सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट तो पक्का है पहले से ही, वेरी सॉफ्ट इज इट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम हो जाएगा, इंसुलेटर होगा, कंडक्शन की तो बाकी मत करना, इज इट, नॉन पोलरिटी है, इट इज फाइनली गोइंग टू बी इंसुलेटर, गोइंग टू बी इंसुलेटर. इंसुलेटर क्यों है, तो आप बोल देना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, आयंस बनेगा नहीं, फाइनली इट इज ऑल गोइंग, यू नो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज इवन लोअर दैन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इज इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी काम होता है. एट द रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, एट रूम टेम्परेचर जनरली गैस, जो रूम टेम्परेचर जनरली जनरली गैस ऑफ लिक्विड, जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो बात करें, नॉन पोलर सॉलिड की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे जनरली वो गैस के फॉर्म में होते हैं, कहीं कहीं वो लिक्विड के स्टेट में आ सकते हैं. हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लगाने से ही इनकी स्टेट को बदला जा सकता है. व्हाट इट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो, सो दैट वी कैन गो अहेड. एग्जाम्पल लिख देना, मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था, एग्जाम्पल में लिख देना CO2 सॉलिड, इज इट, CO2 है, हीलियम को सॉलिडिफाई कर दो, नाइट्रोजन गैस को सॉलिडिफाई कर दो, O2 को कर दो, और लेट आर आर गोइंग टू बी सॉलिडिफाई. अगर हम इनको सॉलिडिफाई कर देंगे तो ये दीज ऑल आर गोइंग टू मेक यू नो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. कैन आई रेस, सबने नोट कर लिया? यस सर. चलो यस सर. पाउल, यहां तक कोई डाउट है बेटा? अमृत, डाउट है तो बेटा पूछ लेना. मैंने बोला कि ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, 11 से लिंक है, इसलिए आपको ये जल्दी समझ में भी आता, बहुत इजी भी है. इज इट, ये चैप्टर डिस्कशन का है, डिस्कस करके करो. मैंने आपको ये चैप्टर ही बताया था शुरुआत में, इस चैप्टर में पेन पेपर ज्यादा लगाना जरूरी नहीं है, जबकि डिस्कशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. हर टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आएगी, हाँ ये ऐसी कैसे ऐसा क्यों, पोलर हो गया नॉन पोलर हो गया. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग की जान है, ऐसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. तो अब सॉलिड तो सबको समझ में आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर सर्टेन सॉलिड जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें वही मिल सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो. अब हम सारे मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, तुम यू आर ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड वही होगा जिसके पास ये एबिलिटी हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फ्रेमिंग कर सके, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले. इनका एमवी और वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन आपने पहले से पढ़ कर रखा है, जो उम्मीद है कि आपको आता होगा. नहीं आता साथ में बता दूं, हाइड्रोजन के पास अगर फोन है, जिसके पास फोन है फोन काम कर सकता है, फोन फ्रेंड्स बना सकता है. हाइड्रोजन के पास क्या है, एफ ओ एन, फोन है तो फोन फ्रेंड्स, फोन कॉल, चैटिंग, यू कैन डू एनीथिंग. करा हैंडसम हाइड्रोजन की जब भी बॉन्डिंग होती है किसके साथ, क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑल आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ऐसे में क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन की इनसे दोस्ती होती है, यू विल ऑब्जर्व दैट ऑनली क्लोरीन है,
तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन तो मिडिल पर रहना चाहिए, ऐसा होगा नहीं, इज इट? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मीना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, दैट इज व्हाई यहां पे हमें क्या मिलेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज्यादा रहता है। जैसा एक एचएफ मॉलिक्यूल है वैसे हम यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। इफ आई टेक यू नो कंटेनर और आई विल कीप एचएफ मॉलिक्यूल लाइक दिस इन एचएफ, एच प्लस, एफ माइनस, एच प्लस, देन एफ माइनस लाइक दिस, अल्टरनेट में आता जाएगा तो डैश डैश लाइन में बताती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर इंटर मॉलिक्यूलर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हैंडसम हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ नियर बाई एटम और मे बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट ऑन सेम एटम, सेम 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 मॉलिक्यूल, ऐसा भी हो सकता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमारे पास जैसे हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आपने पहले से पढ़ के रखी है, किसी को डाउट हो तो कैन यू रेज योर हैंड प्लीज, तो मैं उसको बता दूंगा। इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो हमें पहले से मालूम है, दो मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो इंटर बोलते हैं। मान लो हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया ऐसे, फिर उसके बाद फिर से वाटर मॉलिक्यूल ले लिया लाइक दिस, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपने पहले से पढ़ के रखी है। और एक इंट्रा होता है, इंट्रा क्या होता है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मीना and both are present on same molecule, see hydrogen and mina and both are present on same molecule, aisa bhi situation ho sakta hai ki hydrogen bond is formed between ortho nitrophenol ka example aap jante hoge, ortho nitrophenol ye nitrophenol hai, benzene ke ring ko kya bolte phenyl, isko bolte hue this is all, this is all, this is the phenyl, the phenyl isko kya milayega phenol, dono ko mila ke kya bolte phenol, फिनॉल के एडजेसेंट पोजीशन टू पे अगर मैं यहाँ पे ओ2 लगा दूं लाइक दिस, यू नो, तो ये हमारे पास ये जो बॉन्डिंग बन रही है दिस इज सेड टू बी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये और कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो गया, ओवरऑल अब हम इस पर डायरेक्ट चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल दे कैन मेक यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जिनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मैंडेटरी होगी, देन ओनली आई कैन से दैट इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी देयर, CH3COH ले सकते हो बेटा, HCOH ले सकते हो, बेंजोइक एसिड ले सकते हो, बेंजीन पे COH डाल दो, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो, बेंजीन पे मैं यहाँ पे ऐसा OH लगा दूं और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा लगा दूं O देन H लाइक दिस, तो दिस एसिड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड दिस इज नोन एज सिंपली बेंजोइक एसिड। एक एग्जांपल मैंने दिमाग में डालने की कोशिश की कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड हैज टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी टर्म दिया हो that must be molecular solid, indirectly molecular के साथ साथ एक term और add होगा that is a hydrogen bonded solid, मैं HF लिख दूँ तो क्या बोलोगे, HF मतलब मैंने लिखा solid, hydrogen bonded solid, क्योंकि H किसके साथ दोस्ती बना है, fluorine के साथ, water होगा तो बेटा hydrogen oxygen की bonding है तो ये भी hydrogen bonded solid होगा, next ammonia, ammonia must be hydrogen bonded solid क्योंकि इसमें NH bond है, NOH nitrogen, hydrogen का जो मैंने पीछे से समझाया था कि हाइड्रोजन की फ्रेंडशिप अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का है, राइट, लेकिन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलनी ही मिलनी है, इसमें तो सोचना भी नहीं है। रेस्ट हमने यहाँ पे कुछ लिया, कुछ और हो सकते हैं बेटा, एनीवन एल्स, मैं और एग्जाम्पल लूँ कि एल्कोहल को सॉलिडिफाई कर दू, है ना, वाइन की बॉटल होती है अगर मैं उसको फ्रीजर में डाल दू, तो फ्रीजर में डाल दिया तो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होने के बाद में अगर तुमसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इज दैट, you will say that it, that must be hydrogen bonded solid, that must be hydrogen bonded solid, iski definition likh dena, hai na, such molecular solid in which intermolecular force of attraction must be hydrogen bond
इट मे बी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मे बी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नो इशू। बट अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हैं। आई होप एवरीवन गॉट दिस पॉइंट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। एथाइलीन ग्लाइकॉल ले सकते हो बेटा, एथेन 1,2-diol, एथेन 1,2-diol, ग्लिसरीन ले सकते हो। मुझे लग रहा है एल्कोहल की जितनी भी कैटेगरी है, कोई भी एल्कोहल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इन द एग्जाम्पल एल्कोहल का जितना भी कैटेगरी है, ये मैंने कुछ लिखा है, आप इतना नोट कर लो। तो फिर अगर आप एक्स्ट्रा चेंज में बोल दूंगा, जनरल एग्जाम्पल मैंने बोला ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल एमाइंस, है ना, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, जो भी ले लो, ऑल एल्कोहल, और फिनॉल तो है ही, एच एफ, अमोनिया एज वेल एज दिस फिनो एमाइन, और क्या मिल सकते हैं? एनीवन एल्स? किसी के दिमाग में और कोई आइडिया आ रहा है? चलो फटाफट नोट करो इसको। सबने नोट कर लिया बेटा? इफ इट्स डन प्लीज सेंड फीडबैक इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो हाउ इट्स डन, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट कि यू आर, यू नो, एक्टिवली यू आर डूइंग दिस थिंग्स, यू नो। किसी को भी यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में भी आप बेटा लिख सकते हो कि हाँ सर इसमें डाउट है। सर अमोनिया को हम पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड दोनों में कंसीडर करते हैं? नहीं, बात समझना, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड में ले जाने पे फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा तो बाउंड्री डालना है। पोलर में फिर वनली दो जो पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बात समझना, बट इट पोलर तो तब बनाओगे ना। अब अमोनिया को तो कहीं भी रखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनना ही बनना है। यू कैन नॉट से दैट कि वनली पोलर, वनली पोलर अगर हमने कह दिया जिसका मतलब हमने क्या डिनाई कर दिया, इट इज नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, गॉट इट। तो वो ऐसे कोई भी कंफ्यूजन का जगह नहीं देना, क्योंकि अगर हमने एक ऑप्शन, जैसे होता है क्या है कि अगर आपने इस बात को बोला, इस बात को अगर मैंने बोला कि अमोनिया हमारे पास, हाँ ठीक है, नहीं स्टोन, ठीक है ना, अमोनिया इज अ पोलर, इसका मतलब मैं ये भी तो बोलने जा रहा हूँ कि अमोनिया इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, क्योंकि इसमें तो सब कैटेगरी मैंने कर दी ना। जब हमने कैटेगरी अलग से कर ली, पोलर इज सेपरेटेड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड इज सेपरेट, तो नो नीड टू मिक्स देम टुगेदर। अगर इसको मिक्स करोगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि हमने इसका सब डिविजन पहले से करके रखा हुआ है। कोई डाउट इसमें? Is there any doubt to anyone? तो ये पोलर सारे डिवीजन हमने कर लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, अभी तक फिर से बोलो बेटा। एनी डाउट टू एनी वन? देन तनुप्रीत का खाली है, रेस्ट ऑल ऑफ यू। कुलदीप यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद जो बेसिकली कुछ टर्म है, उस टर्म को आप बोलोगे तो हम अभी बता देंगे पहले से, और कुछ पैकिंग के बाद एक्चुअली हम लोगों को करना रहता है, जैसे कि आइसोमर्फिज्म में, पॉलीमर्फिज्म में, है ना, तो वो सारे बहुत सारे टर्म हैं जिस पे हमें काम करना है। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, टाइम है ना अपने पास? हाँ टाइम है अभी। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पैकिंग की बात कर लेते हैं, पैकिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, FCC, BCC, ECC हो जाएगा, तब हम टाइप ऑफ लैटिस में जाएंगे उसके बाद, बट इट। तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा पैकिंग का क्या पैटर्न होता है, व्हाट इज द पैकिंग, पैकिंग का जो बेसिकली पैटर्न होता है, थोड़ा सा इंट्रो वाले पार्ट में पैकिंग करनी है तुम्हें। पैकिंग करने के लिए हमारे पास, पैकिंग जो हम सबसे पहले करते हैं सॉलिड में, वन डायमेंशन पैकिंग करते हैं। कैसा करेंगे बेटा? वन डायमेंशन, वन डायमेंशन पैकिंग करने का मतलब आपको कोई एक एक्सिस लेना, मान लो मैंने एक्स एक्सिस ले ली। अब एक एक्सिस पे क्या करना है, यहाँ पे बॉल ऐसा रखते चले जाओ, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, बॉल नंबर लाइक यू नो 5, एक सिंगल लाइन लगानी है, मतलब डबल रो नहीं होनी चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? सिंगल रो। सिंगल रो आपने बना लिया, आप देख सकते हो इसमें एक ही एक्सिस सिंगल वाला पार्ट, इधर तो मैंने बॉल रखा ही नहीं। वन डायमेंशन जब भी पैकिंग करोगे, अब आप इन बॉल की चाहो तो नंबरिंग रख लो, या नंबरिंग रखने का कोई मतलब नहीं, आप एक बॉल को सिलेक्ट कर लो। मैं अगर किसी से भी पूछता हूँ कि ये जो मैंने साइडेड बॉल लगाया है, इसके लेफ्ट और राइट में कितनी बॉल होगी जो इससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, यू विल से 2। जैसे हमारे पास फिंगर्स है ना, मैं पूछूं मिडिल फिंगर के साइड में कितनी फिंगर है, तो आप बोलोगे सर 2 फिंगर है जो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है। तो इसका ये जो द फिंगर जो इसको डायरेक्ट टच करता है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। दिस इज द बॉल, ये बॉल है हमारे पास,
ये इसके डायरेक्ट टच में है, तो मैं इससे बॉल से पूछूं कि तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बोलेगा मेरा सर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। मेरे दो 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 फ्रेंड्स हैं, से एक मेरे फ्रंट में एक मेरे बैक में। मैं अगर इससे पूछूं तेरा कितना है, तो बोले सर मेरा भी 2 है, इधर से इधर। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, इस वाली बॉल से पूछो तो इसका भी 2 है ना। यानी जब लीनियर पैकिंग करते हो आप, सिंगल डायरेक्शन सिंगल एक्सिस में करते हो, तो जो किसी भी बॉल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हमेशा 2 आता है। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये मैंने आपको दिखाई वन डायमेंशनल पैकिंग। सबसे पहले अगर हमें पैकिंग करनी है, आप ऐसे पैकिंग करते चले जाओ, एक प्लेट ले लो, कोई सर्फेस ले लो, उससे सारी बॉल लगा दो, गॉट इट। तो बॉल आप लगा दोगे तो आपको ये पैकिंग हमारी वन डायमेंशनल पैकिंग बोली जाती है। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट है, मैं मिटा दो उसको। एनीवन? यस सर। ठीक है ना, वन डायमेंशनल पैकिंग, वी हैव टू अलाइन द ऑल द बॉल्स इन सिंगल एक्सिस। व्हाट इज सिंगल एक्सिस में करना है? पेन पेपर से नोट करते रहना, टू डायमेंशनल पैकिंग करनी है। थोड़ा सा हिंट आपको दे मैं, टू डायमेंशनल पैकिंग का मतलब होता है बेटा तुम्हारे पास अब 2 एक्सिस ले लेना है। ये मेरा एक्स एक्सिस है बेटा, ये मेरा वाई एक्सिस है। व्हाट इज, हमने अब 2 डायमेंशंस ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ऐसे बॉल रख दो, बॉल नंबर लाइक दिस, यू नो, बॉल पे अपना नाम रख दो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लाइक दिस, एप्पल 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 लाइक दिस। ये ऐसे मैंने रख दिया, व्हाट इट। फिर हमें क्या करना है, अगर इसके बाद इसके ऊपर 2 डायमेंशन में जाना है तो वाई एक्सिस में चलना होगा। अगर आपने ऐसी सिचुएशन कर दी, बॉल के ऊपर बॉल रख दो, पहला हम ऑप्शन देने जा रहे हैं, बॉल के ऊपर बॉल रखेंगे, ए के ऊपर ए रखना बेटा, ऐसे आप पेन पेपर से मेरे साथ करते चलो, ए के ऊपर ए, क्योंकि ये अलाइन बॉल है तो उसको सबको ए ही मानना है। अब नीचे की बॉल ऊपर की बॉल एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो दोनों को हम सेम बॉल से डिनोट करते हैं, ए ए ए। फिर से इसके ऊपर एक रखो, ए ए ए लाइक दिस, ए ए ए लाइक दिस, गॉट इट। एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, आप अपनी कॉपी में प्यार से पहले बना लो। कंडीशन मैंने बता दी, बॉल के ऊपर बॉल आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने उसको बॉल को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी कि मैं ए लेयर मैंने बनाया था, इसके बाद वाली बॉल मैं यहाँ रख देता हूँ, ऐसा रखने पे बॉल का नाम बदल जाएगा, बॉल बी बोला जाएगा, क्योंकि दोनों का अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है। हमने अभी जो पहली सिचुएशन रखी, बॉल के ऊपर बॉल, एप्पल के ऊपर एप्पल, एप्पल के ऊपर एप्पल रखते चले गए, व्हाट इट। अब टू डायमेंशनली आपको बताना है, मैं इसमें आपसे पूछूंगा, पहले तो ये सोचना है कि किसी भी बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। छोटा सा पॉइंट है, आप बहुत प्यार से बता सकते हो, मैं आप जो बोलोगे उस बॉल को मैंने सेटिंग कर दी, मैंने बेटा इस बॉल को मैंने सेटिंग कर दिया, ध्यान से देखना, आप अपनी चॉइस से कर लो। सेकंड लेयर की मैंने, सेकंड लेयर की थर्ड बॉल को मैंने देखो सेटिंग कर दी। अब मैं पूछूंगा हाउ मेनी बॉल आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, जो डायरेक्ट जो इसमें गैप है वो काउंट नहीं होगा, तो नंबर 1 बॉल ये हो जाएगी, नंबर 2 बॉल ये होगी, नंबर 3 बॉल ये होगी, नंबर 4 स्पॉन बॉल ये होगी, ये चारों बॉल इसके कॉन्टैक्ट में है। देखो ये अगर ये कोई एटम या बॉल है तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो सारे के सेंटर पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दो। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ बनता हुआ एक शेप दिखेगा, दैट इज स्क्वायर। ये तुम्हें स्क्वायर शेप दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं, क्या ये स्क्वायर दिख रहा है कुलदीप? यस सर। चलो ठीक है ना, तो एनीवन देख, अबलेन दिख रहा है बेटा इसकी। अभी मैं अगर बोलूंगी व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग इज दिस, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर बन रहा है, तो दिस पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हमने बात की। अब मैं बोलूं जो सेंटर बॉल है, अब जो सेंटर बॉल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यू विल से यू नो 4 सेंटर बॉल है, इसको छोड़ के हाउ मेनी बॉल आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, इस बॉल को छोड़ करके हाउ मेनी बॉल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लीविंग दिस भी आप बॉल सेंटर बॉल छोड़ देना, 1 2 3 4 चार बॉल हमारे पास है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तुमसे टू डायमेंशनली अगर मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आप बोलोगे सर ये 4 होगा, इज इट, इट कैन नॉट बी मोर देन 4। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, मैं इसको दोबारा से बना करके फिर से ड्रॉ कर दूंगा। आप बोलोगे तो मैं इंटरनेट से, यहाँ पे मेरे पास स्लाइड होगी उससे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा विजुलाइजेशन का काम है नहीं। पैकिंग का मॉडल अगर आप दिखाओ, मैंने बना के रखा है उसको भी दिखा देंगे।
यहां तक डन हो गया सबका? कॉपी में डन हो गया? यस सर। चलो थैंक यू। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि ये टू डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला, इसका एक थ्री डायमेंशन भी होता है, थ्री डी में थोड़ा सा विजुलाइजेशन बढ़ जाएगा, थ्री डी में देखते हैं कौन इमेजिन कर पाता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसमें एक चीज और बोल देना बेटा, अभी तक जो सिचुएशन है ए के ऊपर ए, ए के ऊपर ए आ रहा है कि नहीं, व्हाट इज द पैटर्न? मैं तुमसे पूछू तो ए के ऊपर ए, ए के ऊपर एप्पल, के ऊपर एप्पल, एप्पल के ऊपर एप्पल, एप्पल के ऊपर एप्पल, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट? तो अगर मेरे से कोई अरेंजमेंट का टाइप पूछता है, मेरे से पूछेगा व्हाट इज द अरेंजमेंट का जो टाइप वो क्या है, अरेंजमेंट टाइप कैसा है, व्हाट विल से ए ए टाइप, ए ए ए डैश 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 डैश, ऐसा लिख देना बस। इस टाइप इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सेम टाइप ऑफ बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, पिरामिड्स नहीं बनाते जैसे हम लोग, एक के ऊपर कंधे के ऊपर एक खड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो उसके कंधे पे बैठ रहा है तो उसका नाम दोनों का नाम मैच होगा क्योंकि अलाइन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग। इसी में अगर मैं थोड़ा सा विजुलाइजेशन आगे बढ़ा दूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन, हां बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी सर, हां बोलो सर, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर्स साइड वालों का देखें फिर वो तो हमारा 3 हो जाएगा ना? नहीं, मैं फिर से दिखा रहा हूं, देखो आप जब ये काम करते हैं ना, किसी का भी देखो, किसका देखना है बोलो, इसके बाद वाली बात का? नो सर, सब फर्स्ट लाइन में। हां, ये इस रो को तुम इस रो को यहां पे एंड नहीं मानना, ओके, ये इनफाइनाइट लेवल में जा रहा बेटा, व्हाट इट, ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी जाएगा, हमने तो एक क्या किया, पोर्शन दिखाया, बात समझ में, पूरे क्राउड का मैंने एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट लिया है, इसमें तो ये इनफाइनाइट रेंज में जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू फिनिश, हमें एक पैटर्न बता देना रहता है कि ये पैटर्न पूरे पूरे स्कूल में पूरे कॉलेज में ऐसे ही रहेगा। एक बिल्डिंग का एक मैंने एक पोर्शन चेक कर लिया, बिल्डिंग की बहुत सारी वॉल है, एक दीवार को मैंने पूरा ब्रेकडाउन कर लिया, चेक कर लिया इसे ईंटे का जो अरेंजमेंट कैसा है, तो मुझे एक सेट बन गया कि ये ऐसा ही होगा, हम ऐसा यहाँ अज्यूम नहीं करेंगे कि ये वॉल कहीं फिनिश होने वाली, हम मानते कि इनफाइनाइट एंडिंग जाएगी, बात समझ में आ रही बेटा? हमें कभी ये नहीं सीखना कि टर्मिनल पे क्या होगा, प्रैक्टिकली जो तुम बोल रहे ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर टाइनी ग्रेन्स भी अगर लेते हैं ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, वी नो दैट मोल कॉन्सेप्ट, यू नो, अगर एक मोल भी अगर तुम मान लो 58.5 ग्राम NaCl लोगे तो उसमें इनफाइनाइट मतलब वन मोल उसमें NaCl के आयंस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, हमने एक स्नैपशॉट लिया है, छोटे से पोर्शन का लिया है, तो हमेशा हम किनारे से काउंट नहीं करते, हमेशा बीच से ही देखते हैं, व्हाट इफ अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाए तो तुम्हारी बात मानी जा सकती है, लेकिन हमने बोला ऐसा हमें कंसीडर ही नहीं करना, व्हाट इफ, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, इसको हमेशा हम नॉन टर्मिनेटिंग मानते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर भी यही होगा हमेशा। इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन अगर ये थ्री डायमेंशनली जाए, तो 3D में थोड़ा दिमाग लगाना, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा विजुलाइजेशन करेगा, टॉपिक बहुत प्यारा सा है, मैंने बोला 2D में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सेंटर बॉल थी, ये जो सेंटर बॉल है इसके सराउंडिंग में आपने कितना बॉल रखा था, 4 बॉल, 1 2 ऐसे रखा था, 3 लाइक दिस, 4, 1 2 3 4, तो ये बात तो समझ में आ गई, चलो सेंटर बॉल का कोऑर्डिनेशन अभी कितना बेटा, स्टिल इट इज गोइंग टू 4। अभी 3D की जब बात आती है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, दो बॉल और ले लेना है, एक बॉल को आपको ऊपर से डालना है, बॉल नंबर मान लो हो जाएगी, एक बॉल को नहीं, बॉल नंबर 5 मान लो, बॉल नंबर 6 को क्या करेंगे, नीचे से डाल देंगे, आप अपने हाथ में 4 बॉल ले लो, है ना, ऐसे सोचना है, एक बॉल बीच में ले लो, उसके सराउंडिंग में 4 बॉल ले लो, एक बॉल को ऊपर से लाना है, एक बॉल को नीचे से, टोटल बॉल कितनी आ जाएगी, यहाँ एकोमोडेट करेगी, ये जो सेंटर बॉल होगी इसके ऊपर एक बॉल आ जाएगी, उसके नीचे से भी एक बॉल आएगी, फाइनल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6। 3D की जब बात आती है, ऐसे तो बनेगा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्क्वायर बनने के बाद जो सेंटर वाला सर्कल है उसके ऊपर हम एक बॉल ऊपर से ला के डाल सकते हैं और नीचे की तरफ से भी एक बॉल डालेंगे, तो 3D में इस सेंटर बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6। हमसे ये पर्टिकुलर केस में पूछता है कि आप 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि 3D में, 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना बताया था बेटा, 2D में बोला था 4, 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो एक बॉल हमें ऊपर से लाना है, क्योंकि ए ए टाइप ऑफ पैकिंग हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो, बॉल के ऊपर ही बॉल रखना मैंडेटरी होता है, यानी ये सेंटर बॉल के ऊपर एक बॉल आएगा, नीचे भी एक बॉल आ जाएगी, बाय दैट आई कैन मेक यू नो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने बताया विजुलाइज कर लो,
फिर मैं इसको दिखाता हूँ कि शायद हो सकता है तुम्हें, मेरे पास कुछ यहाँ पे स्लाइड हो सकता मिल जाए, शायद कुछ स्नैपशॉट्स पड़े हों मे बी यू नो। और ये पैकिंग पैकिंग से पंजाबी मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां तक सबने नोट कर लिया ना? यस सर। यस चलो सर, आई एम गोइंग टू रिज्यूम अगेन शेयरिंग, नेट शायद मिल जाए, मे बी मे बी मे बी मे बी, लेट्स होप। अभी रिज्यूम शेयरिंग, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इसमें सबसे पहला वाला पैकिंग वाले पे हम लोगों ने काम अभी किया, ए टाइप का जो पैकिंग है, सारे बॉल के ऊपर बॉल, ग्रीन बॉल के ऊपर, देखो ग्रीन बॉल सारे के ऊपर आ रहा है, और ये कि स्क्वायर जैसा बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा, ऐसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें 2D में हमेशा दिखता है दैट इज ऑलवेज 4, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 3D वाला, लेट्स होप इसमें 3D बना दे, मल्टी लेयर बनने के बाद यही क्यूबिक बन जाता है बेसिकली आगे चल के, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसे बनेगा, आई होप द कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट गिवन, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिया, 3D कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्रीन पे विजिबिलिटी है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। सबसे पहले ऐड आता है। हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस क्लोज दिस आइटम एज अ पर्टिकुलर यू नो एग्जांपल, सो दिस इज बीइंग टेस्ट, इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2, वन डायमेंशन का दिखा रहा है। Two dimensional packing can be of two types. First type is square closed packing and second type is hexagonal closed. HCP पे भी हम लोग काम करेंगे. So in case of square closed packing, each layer is stacked on the other layer. So in this case, the coordination number of a particular sphere or you can say atom is what? 4. So coordination number is what? Coordination number is equals to 4. Okay. So it is equals to 4. In case of hexagonal closed packing, coordination second layer would, but in this case of again third layer would be square closed packing comes or spheres. So 3D arrangement again is of two types. ये छोटा सा दिया है। What it? Square closed packing का multi-layer बनाया है इसमें। Now first of all we will see square closed packing. In the square closed packing, each layer is stacked exactly same to the another layer. So all the layers are same and they are stacked equally similar. The square, you can see next type of packing is three dimensional closed packing in hexagonal. चलो ये तो अभी HCP पे तो हम लोग गए ही नहीं, HCP का तो बाद में करेंगे, sorry, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप देख लेना है ना, कुछ और pictures मैं भेज दूंगा उसमें भी देख सकते हैं, I will show by the making the model also. ये एक्टिविटी भी अपने करना, आप अपने आप से भी अगर बॉल है ना, बॉल मॉडल बनाओ
तरीका मैंने आपको समझाया कि हाथ में क्या करना, चार बॉल ले लेना, बीच में एक छोटी सी पहले से एक बॉल ले लो, उसके सरने में चार बॉल रख लो, एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे। आप इसको घर में प्रैक्टिकली पोटैटो से भी कर सकते हो, टोमेटो से भी कर सकते हो। अगर चार टोमेटो ले लो, एक टोमेटो सेंटर में रखो, चार टोमेटो सराउंडिंग में, सेम साइज का टोमेटो इज इट, एप्पल वाले से भी कर सकते हो। फिर क्या करना, एक एप्पल के ऊपर एप्पल, एप्पल के नीचे एप्पल, तो कुल मिला के छह। मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को विजुलाइज करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आप आराम से कर सकते हो। कि सेंटर बॉल है, इसके सराउंडिंग में चार बॉल, तो ऐसे ही होगी, एक ऊपर से आया एक नीचे से आया, तो ये कुल मिला के थ्री डायमेंशनली अगर हम इसको सोचते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द सिक्स। आई होप आई मेक दिस थिंग इज क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये करने से हमारे पास बेसिकली मल्टीलेयर स्ट्रक्चर बना देने से क्यूबिक जैसा दिखता है, इज इट। तो 3D का हमने कर लिया, और इसके बाद एक और पैकिंग होती है जो पीछे उसने बताई थी, आठ बात बताई, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर हम देखें तो क्या होगा, मान लो आप ऐसे x x और y एक्सिस ले लो, x एक्सिस के अरेंजमेंट में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ध्यान देना। x एक्सिस का जो आपका अरेंजमेंट है वो जैसा आप जानते हो वही होगा। सबसे पहले तो हमारा काम होता बॉल ऐसे लेते हैं, लाइक दिस इज अ बॉल, सारे बॉल का अपना नाम लिख दो, है ना, जैसे मान लो इसे मैंने कुलदीप लिख दिया, लाइक दिस इज अ, तो ये इज योर चॉइस, बॉल का आप अपना नाम लिख दो, मैं अपना मैंने मान लो लिख दिया ए, ए 12th ए है ना, सेक्शन ए सेक्शन ए लिख दिया, लाइक दिस, एप्पल लाइक दिस। हमने एक अरेंजमेंट कर लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक्स डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन है। अगर मेरे को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है तो क्या करना होगा, अब जो बॉल लाएंगे आप किसी लड्डू की शॉप पे जाना, पिरामिड जैसा बनाता है, तो उसमें करता क्या है, इसके बाद वाले बॉल को क्या करेगा, जहां पे जब दो बॉल हम यहाँ रखते हैं वहां एक कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, आप ही देख ध्यान से, इसका निकल है ना ये, तो जब दो बॉल टच करता है तो वहां पे तुम्हें कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। ये जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, इसी पॉइंट पे जो यहाँ स्पेस जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पे ले जाके बॉल रखना है। अब जो बॉल हम लाएंगे उसको अलाइन नहीं रखना, उस बॉल को यहाँ रख देना, लाइक दिस, यहाँ पे रख देना, इस क्योंकि ये भी दोनों बॉल अलाइन नहीं है, इसका नाम बदल, दिस इज द बॉल बी, इस बॉल को बी के नाम से जानते हैं, लाइक दिस इज द बी बॉल। इसके बाद फिर से बॉल लाएंगे, उसका भी नाम रखे बी फॉर, बी फॉर कुछ भी रख दो, है ना, बी फॉर कर दो कुछ भी, बी बी बस इतना बना लो। फिर इसके ऊपर हम तीसरी बॉल लाएंगे, हमारा ये बॉल हो गई, मैंने इसको बॉल नंबर बी क्यों बोला, क्योंकि दोनों बॉल अलाइंड नहीं है, ऐसा नहीं था ए के ऊपर एक आया, ए और बी के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए इस बॉल का नाम बदल देना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोलो, बी फॉर बॉल, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद की बॉल जो आएगी बेटा वो कैसे आएगी, दैट विल बी अगेन, अब अगर यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो बॉल रखोगे तो नीचे वाली बॉल, ये दोनों अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, आप ध्यान से देखो, कुछ दिखेगा तुम्हें, ये दोनों बॉल अलाइन है कि नहीं, जस्ट सी इट, ये बॉल, ये बॉल अलाइन है कि नहीं बेटा, तो ये बॉल, ये बॉल का नाम सेम हो जाएगा, इधर से फिर से ऐसे होगा, ये बॉल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ए ये भी ये हो जाएगा, इसको भी ये बोलेंगे क्योंकि नीचे से अलाइन है, इसको भी ये बोलना है क्योंकि नीचे से अलाइन है, इसको भी ये बोलना है ये नीचे से अलाइन है, लाइक दिस, यू नो। So what you will observe, this is the first layer, this is the first layer, this is my second layer, this is the second layer beta, ye meri third layer. Can you make any comment about the alignment, alignment ki baat aayegi to bologe sir, every alternate layer is aligned with each other, every alternate layer is aligned, is it, a layer aur ye first layer hai, second layer to aligned nahi hai, third layer aur first layer mein alignment mil raha hai, ये आप देख सकते हो, ऐसे मिलाओ जैकली अलाइंड है, एवरी अल्टरनेट लेयर अलाइंड होती है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है। हेक्सागोनल मैंने क्यों बोला, हेक्सागोनल बोलने के लिए ध्यान से देखना, किसी एक बॉल को तुम चूज कर लो, लेट अस चूज दिस एनी बॉल, मैंने आपको ये बॉल मैंने चूज कर ली, ये वाली बॉल चूज कर ली, जैसे तो सेंटर बॉल मान लो मैंने इसको चूज कर लिया, व्हाट इट, अब इसके सराउंडिंग में देखो कितनी बॉल है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, हाउ मेनी बॉल आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इसके कॉन्टेक्ट में आपको ऐसे मिलेगा, देखो हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, एकदम रेगुलर हेक्सागन दिखेगा, एकदम विजुलाइज होगा,
छह कॉर्नर वाला रेगुलर हेक्सागोन बनता हुआ दिख रहा है. व्हाट इट दिस यू कैन सी इट रेगुलर हेक्सागोन. मैं अगर तुमसे यहां पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये जो सेंटर वाली बॉल है इसका कौन बताएगा कितना आएगा? पाहुल बताओ बेटा कितना आएगा, सेंटर बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? हाउ मेनी बॉल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्सक्लूडिंग दिस सेंटर बॉल? तो आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, 6. टू डायमेंशनली कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे से पूछेगा तो हम बोलेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 6. What kind of arrangement of packing? Packing का क्या arrangement है? A type है या AB type है? Type of arrangement पूछता है कि इसमें X, AB. Very good. AB. AB. So this must have AB, 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 dash dash. Type of arrangement. Type of arrangement. Type of arrangement होगा. Got it? AB, AB type of arrangement. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर आती है, सेकंड लेयर का जो बॉल होता है, फर्स्ट लेयर का जो कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है, जहां स्पेस होता है वहां जाकर कुंभी बनेगा, इसलिए वो बॉल दोनों अलाइंड नहीं होती. एवरी अल्टरनेट लेयर मस्ट बी अलाइंड. अगर आप ये लाइन भी याद करके रखो, इट मस्ट हैव एबी एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एवरी अल्टरनेट लेयर अलाइंड होती है. कोऑर्डिनेशन नंबर टू डायमेंशनली अगर मेरे से कोई पूछता है तो हमेशा हमें कितना बोलना है? 6 बोलना है. व्हाट इट थ्री डायमेंशनल के लिए आज हमारे पास टाइम यहाँ पे नहीं है. टाइम हम लोग 5 मिनट आगे हैं. हमारे बच्चे बहुत सिंसियर हैं,